नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। चांचौड़ा स्थित बाग बागेश्वर मंदिर के पास संत निवास पर संत दीनबंधु दास जी पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, जिसमें संत दीनबंधु दास जी को लगी गंभीर चोटें। SDOP और थाना प्रभारी पहुंचे मौके पर। चांचौड़ा क्षेत्र का मामला। संत दीनबंधु दास जी पर 8 से 10 अज्ञात लोगों ने पथराव कर किया हमला, जिसमें कुछ संतों को गंभीर चोटें आई हैं। ये घटना कल रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। सभी संत आराम कर रहे थे, तभी अचानक अज्ञात लोगों ने आकर उन पर पथराव कर दिया। कुछ 3:30 बजे मतलब में 8-10 लोग आए और हमको ताला तोड़ दिया। सबसे पहले ताला तोड़ा तो हम उठे, हमने कहा कौन है। हमने देखा तो जस्ट 8-9 लोग हमको दिखे बाहर। तो हम महात्मा को जगाया और खड़े हो गए महात्मा। तो हमने कहा तो पथराव करने लगे वो लोग। वो बोले मोबाइल 10 लोग थे, पेट पे लगा है, जागन हो गया। मतलब पत्थर उसका लगता रहा, हम पत्थर देते ही रहे। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। म्याना स्टेशन के पास पटरियों पर मिली अज्ञात लाश। मामला रात 9 से 10 के बीच का बताया जा रहा है। म्याना के स्टेशन मास्टर ने पुलिस को सूचना दी कि स्टेशन के पास पटरियों पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि युवक ट्रेन की चपेट में आ गया होगा, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। रात में 9-10 बजे के आसपास म्याना के जो स्टेशन मास्टर हैं, उन्होंने एक सूचना दी थी। रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी है, उसको तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसको जब देखा तो 20-22 साल का लड़का था। उसका सिर और हाथ टूटा हुआ था, ऐसा प्रतिनिष्ठा लग रहा था कि ट्रेन की चपेट में आया है। उसकी डेथ हो गई, अज्ञात है और उसकी पहचान की जा रही है। अभी आज पोस्टमार्टम हो रहा है। उसका सिर और हाथ काफ़ी गंभीर चोटें हैं, प्रथम दृष्टि उसकी। और उसके बाएं हाथ की कलाई पे हिंदी में सोनी काले अक्षरों से लिखा है। कपड़े और जूते मुझे प्रॉपर पहने हुए हैं और अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। इसकी फाइनली ओपिनियन आएगी, इसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। ग्राम ओकावद और गजनाई के बीच हुए एक एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। दोनों ही युवक ग्राम ओकावद से अपने घर गजनाई जा रहे थे। रास्ते में किसी वाहन से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें धर्मेंद्र नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट भावरोकावास से घर आ रहा है राजनाथ रविंद्र और नरवाल। तो घर में उम्र होगी 17-18 साल होगी 17 और बेटा ही बात ही है। और तो आप और जो आप दूसरा दशहरा मैदान में सजने लगी हैं आतिशबाजी की दुकानें। हालांकि अभी कुछ दुकानदार ही अपनी दुकानें लगा पाए हैं। जो दुकानदार पहुंचे हैं वह भी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। इस बार GST की मार पटाखों की बिक्री पर भी साफ दिखाई दे रही है।
दीपावली त्यौहार का असर जनसुनवाई पर भी दिखा, जहां सभी विभाग के अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन आवेदन देने के लिए कुछ चुनिंदा लोग ही पहुंचे। जनसुनवाई में सभी अधिकारी आवेदन लेकर आने वाले लोगों का इंतजार करते भी देखे गए। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी का दिन। धनतेरस की रौनक आज बाजार में साफ दिख रही है। आभूषणों की दुकानों पर महिलाएं आभूषण खरीदारी करते दिखीं। वहीं ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर भी खासी भीड़ देखी गई। जिन लोगों ने गाड़ियां बुक की थीं, वह अपनी गाड़ियां लेने पहुंचे। बर्तनों की दुकानों पर भी आज भीड़ देखने को मिली। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन खरीदारी करना शुभ होता है। राजा राम के तिलक के साथ हुआ रामलीला का समापन। श्री हनुमान रामलीला मंडल द्वारा 29 तारीख से श्री नरसिंह मंदिर प्रांगण में रामलीला का भव्य आयोजन चल रहा था, जिसमें राधोगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग आकर राम की लीलाओं का चित्रण देखने में बड़ी संख्या में पधारे, जिसका समापन 15/10/2017 को काली पूजा, रावण मरण और राजा राम के राज तिलक के साथ रामलीला का समापन किया गया, जिसमें सभी पात्रों का एवं कलाकारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर गुड्डा महाराज भी रामलीला के समापन पर सभी कलाकारों को अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के आयोजनों से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और कलाकारों को एक मंच मिलता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी रामलीला मंडल के पदाधिकारियों को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी। इस अवसर पर सभी मंडल के सदस्यों द्वारा महाराज जी का सोफा बांधकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राधोगढ़ नगर के वरिष्ठ एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्री राम की लीला में
जादूगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। दबंगों द्वारा रोका गया खेत पर जाने का रास्ता। ग्राम जमुनिया चाचोड़ा के किसान ने आज अपने खेत पर जाने के मार्ग बंद कर देने की एक समस्या को जनसुनवाई में लेकर पहुंचे। किसान का आरोप है कि एक दबंग ने उनके खेत पर जाने का रास्ता रोककर उसे जोत दिया है, जिससे उसे अपने खेत पर जाने में समस्या आ रही है। ये लेके आया हमारे गेट बंद कर रखी केदार नारायण ने पांच मकान। ये सर ये बोलता है रास्ता नहीं, गेट बंद कर रखी, इधर भी चालू गेल है, इधर भी यार बीच में बांध बंद कर दी। बाकी जो नौकर का नौकरी हो पुलिस में वो मतलब हमारे लिए मारवा भी डटिए देखकर गेल हमारी बंद कर दे, गेल आग का फसल वो नहीं बांधा। खेत पर पानी की नली ले जाने के विवाद पर हुई किसान के साथ मारपीट, या घायल। लक्ष्मणपुरा धरनावदा के किसान का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग किसानों ने उस पर तलवार फरसे आदि से हमला किया। किसान ने बताया कि उनके बीच पिछले 3 साल से विवाद चल रहा है, जिसके बीच में राजीनामा भी हुआ था, परंतु आरोपियों द्वारा मामूली बात पर आज तलवार आदि हथियारों से हमला किया गया। किसान का आरोप है कि थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरे खेत में ले जाम पड़ी थी, मासे का ले जाम खींची, मासे लूम गए माई मारे ठोके बने बाने सलाम उमर कहाँ रसीद और उमर कहाँ इकबाल आरिफ और मुजफ्फर कालू इनायत और बाको इकबाल को मोड़ा। दूसरे खेत में ले जाम पड़ी थी, ले जाम नहीं निकल डिब्बी निकम नहीं थी, दूसरे खेत में थी ले जाम मासे उठा के बने ले जाम खींची मासे कही तो मासे कान के मारे। ये देखो नहीं ये बधाई तलवार दही है, कम से कम 3 साल से लड़ाई चल रही है, एकदम फेल और हो गई थी, पहले राजीनामा होगा तो और बंदूक ले ले कह रहा है अभी कह रहा है अस्पताल में सजाएंगे नहीं मेड डोलन के पीछे बस मेड़े पटा लें के हैं तो मार भी जामे दुनिया की बातें करें लंबे छोड़े परिवार वाले हैं हम तीन जने एक बड़ो भैया वो सांडा आन कर लो जी लड़ाई है इनके पीछे तीन ही बार बेटन को चोट आई और जेब पास जा रहा है जे साफ सुने नहीं रहा। न्यूज़ में आज बस इतना ही।
कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।